नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डब वाली केसरी। इस वक्त हम मौजूद हैं डब वाली के मिनी सेक्रेट में। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इनसे हमने बातचीत की और इन बातचीत से हमें पता लगा कि यहाँ 2 महीने से रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, जो मकान की, घर की या किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ हैं वो नहीं हो रही हैं, और ना ही यहाँ तहसीलदार यहाँ पर मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्याएँ आ रही हैं और तहसीलदार की इनकी क्या मांगे हैं। जी सर, क्या नाम है? मैं सरबजीत सिंह राजा सरां, सेक्रेटरी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन से हूं, और साथ में मेरे प्रधान जी हैं अशोक ग्रोवर जी, बाकी साथी भी हैं विक्की शर्मा जी, रज जी हैं। तो हमारी काफ़ी समय से डबवाली शहर में जो तहसील कार्यालय है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो है तहसीलदार साहब की। काफ़ी लंबे समय से तहसीलदार साहब भी नहीं है, शायद डबवाली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नायब साहब भी नहीं है और तहसीलदार साहब भी नहीं। टाइम से तहसीलदार नहीं है। तहसीलदार साहब लगभग 5-6 महीने से नहीं है। पहले कुछ टर्म नायब साहब थे, नायब साहब भी रिटायर हो गए तो वो भी चले गए, उसके बाद कोई परमानेंट नहीं तहसीलदार साहब नहीं आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? एक तो यहाँ रजिस्ट्री हो रही जी, एक यहाँ पर तहसीलदार नहीं है जी, एक जो इस गवर्नमेंट ने, इससे पिछली गवर्नमेंट ने दलालों के लाइसेंस बनवाए थे, वो लाइसेंस हमें दे दिए लेकिन उसकी वैल्यू नहीं छोड़ी इन्होंने। हमसे पूछा नहीं कभी कि उन्होंने रेट लिस्ट क्या बनानी है या कैसे शुरू करना है, हम तो वैसे ही रह गए इनके। अब तहसीलदारों को 6 महीने हो गए, यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है, कोई दलाल की सुनवाई नहीं है, कुछ है कि डेपुटेशन पे यहाँ तहसीलदार नियुक्त, तो वो कौन सा आता है जी? एक दिन आया, दो दिन ना आया। यहाँ के अंतर्गत पेंडिंग पड़े हैं, काम सारा पेंडिंग पड़ा है, काम करने वाला कोई अफसर नहीं है, इसी वजह से सारा शहर परेशान है, लोग परेशान हैं, ये बात किसी सुनते नहीं है। 6 महीने से लोगों को कहते हैं, एक मिनट में, हाँ जी, वो हफ्ते में 2 बार आते हैं जी, बाकी कई बार फरलो भी हो जाती है तो वो मालिक दिन में रजिस्टर नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अफसरशाही है जी, जब उनकी मर्जी आए ना आए, लेकिन 2 दिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से शायद नियुक्त किया गया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये कि एक तो तहसील की में जो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, जो रजिस्ट्रियाँ मेरे ख्याल में 2-2.5-3 महीने से शहर की सभी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। तो किसी ने प्लॉट लिया है, किसी ने आगे बेचा है, आगे चैन बनी हुई है, किसी का नुकसान होता है, किसी ने बाहर लिया है, तो एक तो रजिस्ट्रियाँ काफ़ी समय से बंद। हम पीछे 10 दिन हमने धरना भी लगाया, प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कोई किसी सरकार पे कान पे जू नहीं सरकी। तो उसके बाद जो है, एक तो रजिस्ट्रियाँ का हो गया, दूसरा तहसीलदार साहब का हो गया, उनकी पक्की नियुक्ति नहीं है, इसके लिए शहरवासियों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो दूसरा सबसे बड़ा हमको ये आ रहा है कि जो कमेटी है हमारी, म्यूनसिपल कमेटी है, उसमें शहर में एक आधे वार्डों में डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे टैक्स लगाया गया है, जो कि शायद जो मैप नक्शा पास करवाते हैं उसमें लगता है, खाली प्लाटों पे लगवाया गया है। तो उसमें ये है भी, पहले तो जितने गरीब वार्ड उन पे लगा है, हम ये नहीं कहते भी आधे पे क्यों नहीं लगाया, उन पे भी नहीं लगना चाहिए और जिन पे लगाया उन पे भी वो हटना चाहिए। इसमें तो मैम शायद मेरे ख्याल में आपके भी कुछ समझ में नहीं आ रहे, डेवलपमेंट चार्ज का और करप्शन का इसमें क्या मेल होगा? उसमें तो करप्शन बढ़ा है जी, अगर अब ऑनलाइन सिस्टम सारा होता है तो करप्शन तो और बढ़ेगा। हमने ईमानदारी का प्लाट खरीदा हुआ, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो उधर से हमको एक ब्लैक मेलिंग की तरह कर रहे हैं भी NOC लेके आओ। NOC लेने जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो 100 ले, 10 लाख ले, लाख ले, 50,000 ले, उनकी मर्जी है, जितने लेंगे वो डेवलपमेंट चार्ज लेके। उसके बाद एक तो प्रॉपर्टी के रेट डाउन है, तो मतलब कि भी करप्शन का है, प्रॉपर्टी के रेट डाउन है, लेकिन ये डेवलपमेंट चार्ज का जो है बिल्कुल ये हटना चाहिए शहर में। डेवलपमेंट चार्ज से लोगों को क्या नुकसान है? लोगों को मैम जी है जी, एक्चुअली क्या है, जो डेवलपमेंट चार्ज है ये जब नक्शा पास करवाते हैं उसका ही एक पार्ट है। तो सेक्रेटरी साहब से बात ही वो कहते हैं जी भी जो डेवलपमेंट चार्ज है ये नक्शा नहीं लोग पास करवाते। हमने उनसे कहा भी अगर कोई 20-30 लाख मकान बनाने पे लगा रहा है तो वो ऐसा कुछ कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार के कारण कोई ऐसा वो अपनी बेइज्जती करवाए भी मेरा नक्शा नहीं पास है। वो तो नहीं नक्शा पास करवा तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करो, लेकिन जो खाली प्लाट पड़े हैं वो कोई दे रहा है या ले रहा है तो उसके ऊपर आप 40-50 हज़ार रुपया ले रहे हो। 120 रुपये से लेके 201 गज रुपये गज तो है जी रेजिडेंस का जो है, दूसरा जो कमर्शियल का उसका 600 रुपये गज है। हमने कभी कई NOC हमारी मजबूरी है, उसके बिना रजिस्ट्री नहीं करेंगे, रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो लाख लाख 1.5-1.5 लाख रुपये उसका भर रहे हैं।
वो बिना मतलब के कस्टमर की जेब कट रही है, रोले भी हो रहे हैं, विवाद भी हो रहे हैं, इसी कारण वो कहता जी वो भरे, लेकिन कोई समाधान नहीं है जी। हाँ आपका क्या नाम? ये रजिस्ट्री खोलो जी, वो डेवलपमेंट चार्ज हट आए कभी, क्या दिक्कत आ रही है? रजिस्ट्री हो ही नहीं रही है। जो दो दिन के लिए तहसीलदार नियुक्त किया गया उसमें दो दिनों में रजिस्ट्री नहीं हो रही है ना, शहरी रजिस्ट्री कोई नहीं हो रही है। आप कह रहे थे कि शहरी रजिस्ट्री में यहाँ से गांव की रजिस्ट्री हो रही है, शहर की कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो रही, एग्रीकल्चर लैंड की हो रही है, शहर की पिछले 6 महीने से रजिस्ट्री नहीं, बंद है। लॉकडाउन की वजह से कुछ तो 3 महीने बंद रह गए, उसके बाद भी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। तो इसकी कोई शिकायत की आपने? शिकायत हमने प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने धरना दिया था, 6 दिन का धरना दिया, उसके बाद हम अजय सिंह चौटाला जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दे दिया था 6 दिन के बाद तहसीलदार प्रॉपर ढंग से आ जाएगा और रजिस्ट्रियाँ खुल जाएंगी। उसके बाद भी कोई तहसीलदार नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, प्रॉपर्टी डीलर भूखे मरने की नौबत आ रही है। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है सब बिल जैसे आते हैं वैसे के वैसे जा रहे हैं। हाँ, हर एक प्रॉपर्टी डीलर 50 लाख रुपये के स्टाम्प हर साल लगवाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ। इतना बढ़िया काम था यहाँ तहसील का, इस टाइम गवर्नमेंट भी नुकसान में है और प्रॉपर्टी डीलर भी नुकसान में है। ये थे हमारे साथ प्रॉपर्टी एसोसिएशन के कुछ लोग, जिनका कहना है कि यहाँ पे 2 महीने से ना तो तहसीलदार है और लगभग 6 महीने से रजिस्ट्री बंद है। वहीं इनकी मांग है कि जल्द से जल्द तहसीलदार को यहाँ पे नियुक्त किया जाए और जो डेवलपमेंट चार्ज सरकार द्वारा एक लगाया गया है वो बंद किया जाए और जो जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो टाइम टू टाइम हो। क्या क्या एक है दो खाते जमींदार थे कहने खाता चकू दूजा खाता चकदा नहीं करेंगे, रजिस्ट्री होती नहीं करेंगे, जवाब देता क्या नहीं होती कहने फिर आएगा दोबारा फिर होगी रजिस्ट्री कहने दोबारा कब बुलाया बुलाया नहीं कहीं दसा गया सरकार लिखाए कहने फिर सरकार कोई इंतजाम करूँ फिर कहने लिखा 4-5 भाई असं इतने आए हैं रजिस्ट्री करवाने वास्ते, सवेर का कम छड़ा भरा मुंडे का बया निकल लू कढ़ाई चढ़नी है समान लिया देखो सवेर तुरे फिरते हैं हूँ कहते भी रजिस्ट्री होंगी दो खाते नहीं भी दो खाते ज्यादा फिर रजिस्ट्री होंगी कहते हाँ ये जो नया सॉफ्टवेयर आया ना ये सिंगल खाते की रजिस्ट्री ही उठा रहा है फिलहाल, कंप्लेंट डाली हुई है जैसे ही मतलब दो खाते को उठाने लग जाएगा, पहले उठाता था अब नए सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है। तो उनको ग्रामीणों को समझा दिया गया है भाई ये पीछे का सॉफ्टवेयर का पीछे का मसला है, यहाँ हमारे लेवल पर कोई वो नहीं है। नहीं मैडम ऐसा है ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दिक्कत आ रही है ग्रामीणों को, हम भी इससे सहमत हैं और ऊपर हमने भेज दिया है मतलब, और ये हो जाएगा। तो ग्रामीणों को कैसे आश्वस्त किया? आश्वस्त ऐसे किया जी भाई जो अब कंप्यूटर ही ना उठाए तो चाहे वो किसी की रिश्ती हो, अब उन्होंने कहा भाई हम तो सुबह खड़े थे, जब नंबर आएगा तभी उनका नंबर आएगा ना जी। ग्रामीणों के लिए कुछ और अल्टरनेटिव नहीं, अगर अलग अलग खातों की है मान लो तो हर खाते की अलग रजिस्ट्री उठाता है, अगर वो दो करवा लेते हैं मतलब तो उनकी हो जाती है कोई ऐसी दो खातों में करवाते हैं तो हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें जहाँ तक यहाँ ये मैच संबंध है। कुछ लोगों की दिक्कत ये भी कि रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। नहीं नहीं रजिस्ट्रियाँ तो शहरी लोग हैं 10 किलोमीटर के एरिया में थोड़ा सा ये है कोई वो नहीं हो रही अभी, और जैसे ही वो पीछे से डायरेक्शन आएगी खोलने की हम करने शुरू कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत। डेवलपमेंट चार्ज है उसको लेके कुछ भ्रम है या क्या है सर? डेवलपमेंट चार्ज क्या? देखिए अब ये तो हमारा इस लेवल पर मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, जब होगा मैं आपको बता दूँ। इसी के साथ मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकरण सिंह के साथ।